हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः आपका वाईफाई श्री राम में स्वागत है। और रीजनिंग की इसी कड़ी में हम आज का एक चैप्टर ले रहे हैं, घन। देखना यहाँ पर रीजनिंग का एक मैं चैप्टर लिख रहा हूँ, घन, इसको बोला जाता है क्यूब। अब देखो घन रीजनिंग में चैप्टर में इसमें कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ऐसे प्रश्नों को करेंगे हम। देखो सबसे पहले हम घन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखो मैंने ये घन बनाया, देखो यहाँ पर ये घन, ये जो मेरे हाथ में एक डस्टर है, एक तरह से आप इसको घन मान सकते हो। और इसकी कितनी सतह होती है, देखो सबसे पहले हम सतह या जिसको तल या फलक बोला जाता है, जिसको सरफेस बोला जाता है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस डस्टर को ही हम एक तरह से घन मान लेते हैं। तो देखो एक, ये दो, तीन, चार, ये पाँच और छः, तो कितनी सतह होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ घन में कितनी सतह होती है, छः। देखो ये ऊपर वाले टॉप, ऐसे ही बॉटम, ये साइड वाले इसके साइड, ये देखो सामने वाले इसके विपरीत, यानी हो जाएगी तो कुल मिला के छः। और घन में ये बोला जाता है कि इसमें छः सतह होती है और सभी की सभी क्या होती है, वर्गाकार होती है। और घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। अब देखना यहाँ पर सतह, अगर मैं शीर्ष की बात करूँ या मैं करूँगा कॉर्नर पॉइंट कितने होते हैं, अगर मैं शीर्ष की बात करूँ तो आपको हमेशा आठ याद रखने हैं। शीर्ष कितने होते हैं, देखो ये यहाँ पर जहाँ पर एक, दो और तीन भुजाएं मिल जाती है, वहाँ पर यदि शीर्ष बन जाता है, ये वाले जो मैंने डॉट से बनाया है ऐसे, ये तो शीर्ष कितने हो गए, आठ। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये और यहाँ पर ये तीन भुजाएं जहाँ पर काटती है वहाँ पर क्या बन जाए, शीर्ष, एक, दो, तीन, चार, और ऐसे ही नीचे हो जाएंगे चार, एक, दो, तीन, चार, आठ हो गए। अगर मैं किनारे या भुजाओं की बात करूँ कि घन में कितनी भुजाएं होती है, एजेज होती है, तो कितनी होती है टोटल मिला के, बारह। देखो ये जो होता है, अगर मैं ए और बी, ये जो ए बी है इसी को बोला जाता है भुजा बोला जाता है। जैसे देखो ये एक, दो, तीन, चार, ऐसे नीचे भी चार हो जाएगी, ठीक है, आठ हो गई। और ये देखो ये वर्टिकल, एक, दो, तीन, चार। आप एक तरह से कमरे को मान के, घन मानकर आप इनको कर सकते हो। तो किनारे कितने हो गए, भुजाएं कितनी होगी, बारह हो गई। अब देखो यहाँ पर हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ दें। ये तो केवल आपको जानकारी कि भाई घन में छः सतह होती है, शीर्ष या कॉर्नर पॉइंट होते हैं आठ होते हैं, किनारे कितने होते हैं, बारह होते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब देखो एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके समझने की दृष्टि से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लिया प्रश्न लिया कि एक 3 सेंटीमीटर के बड़े ठोस घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अब देखना एक बार, देखो यहां पर मैंने लिया ये मान लो घन, एक बड़ा ठोस घन है। देखो एक बार आपको बताता हूँ कि कैसे काटते, कैसे यानी कि घन को कैसे काटते। देखो एक घन की भुजा है यहाँ पर, आपको कहा कि इस बड़े घन की जो भुजा दे रखी है वो तीन दे रखी है, ठीक है, और आपसे कहा गया कि 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। देखो आप जानते होंगे जो बच्चे कलर जमाते हैं वो वाला एक बॉक्स आता है, वही छोटा घन होता है, छोटे छोटे घन उसमें बने रहते हैं, तो इसको हमें 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे। अब देखो क्या करते हैं कि देखो बड़े घन की भुजा कितनी है, तीन, उसमें छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितने सेंटीमीटर में काट रहे हो आप, एक, उसमें भाग लगाओगे, तीन में एक का भाग लगाया तो तीन। अब देखो इस भुजा पे आपको कितने कट लगाने हैं, वैसे तो देखो तीन में बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का भाग लगाया तीन। देखो यहाँ पर जैसे लिखा गया कि एक 3 सेंटीमीटर के बड़े ठोस घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया। हम देखो समझने की दृष्टि से एक बार देखो यहाँ पर बता रहा हूँ कि बड़ी घन की भुजा आपको कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। आप छोटे छोटे घनों में काट रहे हो, वो भी क्या काट रहे हो, 1 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से एक एन का मान आता है, एन बराबर होता है बड़े घन की भुजा और बटे में होता है छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा यानी के।
देखो एन का ये फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट होता है, एन बराबर बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। अब तीन और एक, तीन में आपने एक का भाग लगाया तीन। अब देखो कट लगाने हैं, तो कट लगाने के लिए आपको क्या करना है, तीन में से एक कम करोगे तो कितने कट हो जाएंगे, दो कट लगाने पड़ेंगे इस भुजा पर। तो आपने एक और ये दो कट लगा दिए। ऐसे ही देखो आप इस भुजा पर भी दो कट लगाओगे, ऐसे देखो यहां पर इस भुजा पर भी आप दो कट लगाओगे, अब देखो यहां पर ये आपने बना दिया। तो देखो ऐसा करने से आपका एक घन बन गया, और देखो इस घन में क्या होगा कि हमने क्या कर, एक 3 सेंटीमीटर के बड़े ठोस घन को एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। अब मुझे होता आपने लगाया, अब ये कितने छोटे घनों की संख्या होगी, आपको पूछा जाएगा बताओ ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, जिनकी 2 सतह रंगीन हो, जिनकी 1 सतह रंगीन हो, या जिनकी 2 सतह पर कलर किया जा सकता है। अब देखो इनका क्या होता है, हमने ये देखो आप यहाँ पर गिन के भी कर सकते हो आप कितने होंगे छोटे घन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कितने हो गए, 9 हो गए। ऐसे ही आप गिनोगे 1 2 3 4 और ऐसे ये भी क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यानी कि देखो क्या होता है, ये 3D डायग्राम होता है इसलिए आपको स्पष्ट इस दिखाई नहीं देता, एक तरह से ऐसे ही ये 9 हो जाएंगे और टोटल मिला के 9 9 9 कितने हो गए, 27। लेकिन देखो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम गिन के बैठेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि n का मान आप यहाँ से निकालोगे, n बराबर बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा। तो मुझे तो बड़े घन की भुजा 3 और छोटे घन की भुजा 1, आपने n का मान कितना निकाला। अब देखो छोटे छोटे घनों की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो मैंने लिखा टोटल छोटे छोटे, आपको क्या करना है जो भी n का मान आता है उसका क्यूब कर देना है। n का मान कितना आया 3, और 3 का क्यूब करोगे तो मुझे होता कितने होंगे इसमें, 27 छोटे छोटे घन बनेंगे। अब देखना है यहाँ पर, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि देखो समझने की दृष्टि से यहाँ पर देखना। अब देखो यहाँ पर मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ कि 3 सतह वाले, देखो घन में ज्यादा से ज्यादा 3 सतह वाले का मतलब क्या होता है, देखो घन में जो छोटे घन होते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 सतह पर कलर किया जा सकता है, 3 सतह देखी जा सकती है। मुझे होता है देखो ये किनारे वाला घन होता है ये वाला, अगर आप इस छोटे घन को देखना, ये छोटा घन है, इसमें कितनी सतह आपको दिख रही है, 1 2 और 3, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह पे कलर कर सकते हो, तो ये 3 सतह वाला होता है। और 3 सतह वाले हमेशा कहाँ पे मिलेंगे आपको, किनारे पे, ये 1 ऐसे ही 2 3 4 और ऐसे ही नीचे 4 4 और 4 कितने हो गए, 8। 3 सतह वाले को बोला जाता है यानी किनारे वाले घन या शीर्ष वाले घन, ये किनारे वाले घन बोला जाता है या इनको बोला जाता है शीर्ष घन। और ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या हमेशा 8 होती है, ऐसे घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 होती है, और एक किनारे पर होती है। अब देखो उसके बाद में होता है 2 सतह वाले, 2 सतह वाले कितने होते हैं, मतलब ऐसे छोटे घन जिनकी 2 सतह पर कलर किया जाता है, जिनकी 2 सतह रंगीन होती है। अब देखो 2 सतह वाला ये देखो ये 2 सतह जिनकी 2 सतह पर, ऐसे ये वाला ये 2 सतह पर, 1 और ये 2 सतह, ऐसे ये 2 सतह यहाँ पर भी 2 सतह वाला होगा, यहाँ पर भी 2 सतह। इसका मतलब क्या होगा कि 2 सतह वाले जो मिल रहे कहाँ पर मिल रहे, भुजाओं पे मिल रहे। और आप जानते हो घन में कितनी भुजाएं होती है, 12 भुजाएं होती है। तो मुझे होता है यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 12 × n-2, ये आपको ध्यान रखना है। और n का मान कहाँ से निकालोगे, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, 12 × ऐसे ही मैंने कहा कि बताओ 1 सतह जिनकी 1 सतह रंगीन हो या जिनकी 1 सतह पे कलर किया जा सकता है, ऐसे घनों की संख्या निकालने के लिए मुझे बताओ ये वाला घन देखना, ये वाला जिनकी कौन सी 1 सतह पे, मतलब ये तल पे मिलेंगे, सतह पे मिलेंगे, सरफेस पे मिलेंगे, फलक पे मिलेंगे। तो मुझे तो घन में कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। तो इसका मतलब 6 × n-2 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आप इसके अलावा मैंने लिखा 0 सतह, 0 सतह का मतलब होता है रंगहीन घन। रंगहीन घन का मतलब होता है ऐसे घन जिन पे हम कलर नहीं कर सकते, कलरलेस घन होते हैं, जिनके क्या होते हैं अंदर वाले घन होते हैं, जहां पर हम पहुंच के कलर नहीं कर सकते, उनको रंगीन घन बोला जाता है, मतलब इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर। तो ऐसे का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब होता है, यानी
अब देखना यहां से, तीन सतह वाले किनारे वाले घन होते हैं, और ऐसे घनों की संख्या हमेशा एक दो तीन चार और ऐसे ही नीचे चार हमेशा आठ होगी आपको, चाहे कोई भी कितने में भी काटो आप। और मैंने कहा दो सतह हमेशा कहाँ मिलते हैं, भुजाओं पे, तो घन में भुजाएं कितनी होती है 12, तो 12 गुणा एन माइनस टू। ऐसे ही अगर मैं एक सतह की बात करूँ तो एक सतह हमेशा कहाँ पर मिलते हैं, तल या फलक पर मिलते हैं, और घन में कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है, तो आपने 6 गुणा एन माइनस टू का होल स्क्वायर। ऐसे ही मैंने अगर आपसे पूछा बताओ जीरो सतह या रंगहीन घन जिन पर आप कलर नहीं कर सकते वो कैसे होगी, उनकी संख्या निकालने का फॉर्मूला होगा एन माइनस टू का होल क्यूब। तो ये आपको हमेशा इसको ध्यान रखना। अब देखो दो सतह आपने देखा ये कहाँ पर मिल रहे, भुजाओ पे यहाँ पर मिल रहे, तो इनको बोला जाता है मध्यवर्ती घन। कौन से घन बोला जाता है, मध्यवर्ती घन। और एक सतह ये देखो यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए देखो बीच एकदम यहाँ पर मिलते हैं, इनको सेंट्रल क्यूब बोला जाता है, मतलब केंद्रीय घन बोला जाता है एक सतह वाले। और जीरो सतह जो रंगीन घन बोलते थे इनको बोला जाता है अंतर्वर्ती घन बोला जाता है, इसका मतलब अंदर वाले घन होते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इनको बोला जाता है शीर्ष वाले घन, ये मध्यवर्ती घन, एक सतह केंद्रीय घन, और इनको बोला जाता है अंतर्वर्ती घन। तो ये आपको इतनी बात का ध्यान होना चाहिए। अब देखो सवाल हम करते हैं कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ये जो नोट लिखवाया जब भी आप एग्जाम में जाओ इस नोट को हमेशा पढ़ के जाओ, क्योंकि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि वह हम काट के गिनने बैठेंगे। अब इस पे कैसे प्रश्न आते हैं, देखो पहला प्रश्न मैंने लिया, कि एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताओ ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन है, या जिनकी दो सतह दिखाई पड़ती है, जिनकी दो सतह पे कलर किया है। अब मान लो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ गया, आपको एक 18 सेंटीमीटर का ठोस घन, एक बड़ा ठोस घन दे रखा, आप 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हो। सबसे पहला आपका तरीका होगा, जब भी ऐसा आता है बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा अगर आपको दे रखी है, हम सबसे पहले एन का मान निकालेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े घन की भुजा और बेटे में क्या होता है, छोटे घन की भुजा। अब देखो यहां पर बड़े घन की भुजा आपको कितनी दे रखी है, 18, छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है, 3, अपने एन का मान कितना आया, 6। अब मुझे तो आपसे पूछा बताओ ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन हो, दो सतह पे। अब मुझे तो दो सतह वाले कहां पर मिलते हैं, भुजाओं पे, तो देखो दो सतह का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दो सतह भुजाओं पे, तो 12 गुणा एन माइनस टू, ये रखोगे, एन का मान कितना रखोगे, 6, आपने 12 गुणा 6 में से दोगे तो मुझे होता 12 इंटू 4, और 12 को आप 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, मतलब ऐसे घनों की संख्या कितनी आएगी, 48 आएगी। तो हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, और एक दो प्रश्न देखते हैं कि और कैसे पूछते हैं एग्जाम में। देखो मैंने आपको प्रश्न दिया दो सतह, एग्जाम में कल उठ के पूछा जाएगा बताओ एक सतह रंगीन वाले, बताओ ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी, यानी कि 3 सतह रंगीन, और 3 सतह रंगीन हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक बार कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बताओ ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी सतह रंगहीन हो, अतः इनकी जन की सतह पर कलर नहीं किया जा सकता। देखो एक प्रश्न और लेते हैं, कि एक ठोस घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, एक ठोस घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताओ
ऐसे कितने छोटे घन होंगे, तो बताओ ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन है। अब देखो यहां पर इस प्रश्नों के करने का क्या तरीका होता है। देखो अब की बार आपको बड़े घन की भुजा, बड़े ठोस घन की, छोटे घन की भुजा नहीं दिया। अब की बार आपको डायरेक्टली ऐसे दिया कि आपने ठोस घन को काट दिया और कितने 125 छोटे छोटे घनों में काट दिया। इसका मतलब क्या होगा मुझे बताइए, 125 किसका घन होता है? 5 का। इसका मतलब एन का मान कितना हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। देखो आपको हमेशा इनके घन आपको याद होने चाहिए। देखो एक का घन कितना होता है, 1 होता है। 2 का घन 8, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। 5 का जो घन होता है वो 125 होता है। 6 का घन होता है वो आपका 216 होता है। 7 का घन होता है वो 343 होता है। और ऐसे 8 का जो घन होता है वो 512, और जो 9 का घन होता है वो 729, और 10 का घन क्या होता है, 1000 होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि कई बार ऐसे आएगा कि 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, कई बार आएगा आपको 27 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, कई बार 216 छोटे छोटे घनों में। तो इसका मतलब 125 सबकी बार दे रखा है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि एन का मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा, क्योंकि 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो एन का मान 5। अब देखो प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इस प्रश्न में, आपको कहा कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम, आपको ध्यान रखा है कम से कम दो सतह, अब देखो यहां पर आपको देख रखा है कम से कम, आपको ये नहीं पूछा गया कि दो सतह रंगीन है, आपको एक इसके आगे एक वर्ड लिखा गया कम से कम, जिसको बोला जाता है एटलीस्ट, यानी बोला जाता है एटलीस्ट। अब देखो कम से कम दो का मतलब क्या होता है कि दो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कि दो तो आनी चाहिए। अब मुझे था दो, तीन, देखो तीन में भी दो तो आ रही है, और घन में ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह पर कलर किया जाता है, 3 सतह है। इसका मतलब जब भी कम से कम दो मिले, इसका मतलब इसमें दो सतह वाले भी आएंगे, और कितने आएंगे, 3 सतह वाले भी आएंगे। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसका मतलब दो सतह वाले भी गिने जाएंगे और 3 सतह वाले भी गिने जाएंगे। अब देखो दो सतह वाले हमेशा भुजाओं पे, तो 12 गुणा एन माइनस 2, और 3 सतह वालों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। अब देखो एन का मान कितना निकाला आपने, 5, 12 गुणा 5 माइनस 2 प्लस 8। अगर 5 में से दोगे 3, और 12 को 3 से अगर आप गुणा करोगे, 12 3 कितना हो जाएगा, 36। अब मुझे बताओ यहाँ पर प्लस 8 करना हो, अब मुझे बताओ 36 में अगर आप 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 44। अब समझ आ, मान लो एग्जाम में दो सतह ना रंगीन देखे कम से कम, आपसे पूछा जाए बताओ कम से कम एक सतह, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सतह वाले भी गिने जाएंगे, दो वाले भी गिने जाएंगे, और कौन होंगे, 3 वाले भी गिने जाएंगे। कम से कम का मतलब जो भी दे रखी है आपको रिक्वायरमेंट वो पूरी होनी चाहिए, ये होता है कम से कम एक आए जो, तो एक वाले भी गिने जाएंगे, दो वाले भी गिने जाएंगे, और 3 वाले गिने जाएंगे। तो हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही देखो एक और प्रश्न लेते हैं, कई बार मान लो एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि एक 12 सेंटीमीटर के बड़े ठोस घन को, एक 12 सेंटीमीटर के बड़े ठोस घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो छोटे घन की भुजा ज्ञात करो। छोटे घन की भुजा ज्ञात करो। अब यहां पर देखना, आपको क्या कहा कि 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, आपको कहा छोटे घन की भुजा ज्ञात करो। अब देखो इस प्रश्न को क्या हल करोगे, वही n बराबर क्या लिखवाया था मैंने, बड़े घन की भुजा बटे में क्या आता है, छोटे घन की भुजा,
अब समझना, अब देखो आपको 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया। अब 216 किसका घन होता है? 6 का घन होता है कि नहीं? तो आपने एन की जगह कितना लिखा 6। अब मुझे बताओ आपको बड़े घन की भुजा कितनी देर की है? 12 सेंटीमीटर बड़े हुए। अब छोटे घन की भुजा को क्या मान लिया आपने? एक्स। अब मुझे होता है एक्स का मान ज्ञात करना है, तो मुझे होता है 12 में कितने का भाग लगाओगे? 6 का। तो मुझे होता कितने सेंटीमीटर आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपको ये आना चाहिए कि कैसे हम करते हैं सवालों को, प्रश्नों को करने का तरीका हमारा क्या होता है। और आपको हमेशा जो बताया मैंने नोट करके उसको, तो हमेशा जब भी एग्जाम में जाओ उसको जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है। इसी के साथ हम कल नेक्स्ट वीडियो में और इसमें और अच्छे प्रश्न, कैसे कलर वाले कैसे आते हैं कि लाल पीला नीले रंग से रंगा गया, बताओ ऐसे होंगे, मतलब अलग अलग कलर से डिफरेंट कलर से उसको रंगा जाता है, तो उसमें छोटे छोटे घनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे, और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेंच ऑफ लर्न शानदार तालियां लौटी से कुछ और करना चाहिए। मेरे कपड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया, और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पी रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग वो एफर्ट वो आप उसमें लगाओगे वो शिद्दत है, और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। इसके बाद प्रांता पत्रिका के जर्नल है विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ आपके लिए।